नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक में और आप चाहते हो एक एटीएम कार्ड लेना, तो आपको भरना होगा ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप सभी को पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप कैसे है जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के एटीएम कार्ड को ले सकते हो। इसके लिए क्या क्या आपको करना होगा, कितने समय में मेरे को है जो कि एटीएम कार्ड डिलीवर हो गया था, सब कुछ है जो कि आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करिए तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फॉर्म भरने का प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फॉर्म है ये आपको आपके बैंक की ब्रांच में मिल जाएगा। वहां जाके आप कहोगे एटीएम अप्लाई करना है, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म दे देंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर है जो कि आपको अपने ब्रांच का जो कि एड्रेस भर देना होगा। जैसे कि मेरी ब्रांच है रोहिणी, रोहिणी की मेरी ब्रांच है तो मैं रोहिणी भर देता हूँ। आपकी जो भी हो आप यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी आप टाइटल लगाते हो, तो मैं मिस्टर लगाता हूँ, तो अभी मिस्टर को टिक कर दोगे आप। और आपको जो कि ब्लू पेन से भरना है फॉर्म, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं पेंसिल से आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको पेन का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर आप भर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको अपन नेम भरना होगा। यहाँ पर आपको वो नेम भरना है जो कि आपका अकाउंट में डला हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना है जो कि फर्स्ट नेम भरोगे पहले, तो उसके बाद यहाँ पर अगर मिडिल नेम लगाते हो तो मिडिल नेम, सरनेम है कुछ तो सरनेम, इस तरीके से आप अपना नाम लिख दोगे। अब नीचे आप आते हो तो यहाँ पर देखिए कार्ड डिस्प्ले नेम, तो कई लोग हैं जो कि यहाँ पर कुछ गलत भर देते हैं। तो इसका मतलब है जो नाम आप कार्ड पर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप पे कार्ड का नाम है जो कि थोड़ा अलग आए या कुछ अलग आए, तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो वैसे तो बेसिकली जो नाम अकाउंट पे डला होता है वही आप लिखवा सकते हो, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही नाम अपना लिख दोगे कैपिटल लेटर में, वो आप अपना यहाँ पर पूरा नाम लिख दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिलअप करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपके अकाउंट में डली है वही डेट ऑफ बर्थ भरोगे। यहाँ पर डेट, मंथ और अपना ईयर, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ भर दोगे। यहाँ पर आपसे जो कि आपका रेजिडेंट का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो भी आपने बैंक में एड्रेस डलवा रखा है वो आप लिख सकते हो, अपना हाउस नंबर, एरिया का नाम और यहाँ पर अपनी सिटी, पिन कोड, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भर दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे 10 डिजिट का। उसके बाद कई लोग जो कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिख रखा है, तो कई लोग है जो कि बैंक में अपना ऑफिस एड्रेस है जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो अगर आपका रजिस्टर हो तो आप भर सकते हो, वरना इसे आप खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पर ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम यानी कि फ्रेंड्स जो भी आपका ब्रांच का नेम है जो आपने यहाँ पर भरा था, तो आप यहाँ पर सिंपली भर दोगे वही। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है प्राइमरी अकाउंट टाइप, तो हमारा तो सेविंग अकाउंट है, तो हम यहाँ पर एस बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख दोगे एस बी सेविंग अकाउंट के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे आपका प्राइमरी अकाउंट नंबर, तो जिस अकाउंट से है जो कि आप अपना अप्लाई कर रहे हो, सिंपली आप पासबुक ओपन करोगे वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, आप अकाउंट नंबर है जो कि यहाँ पर फिलअप कर दोगे। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद ये जो सेकेंडरी वगैरह दिख रहा है ये आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको सिंपली ये जो कि फर्स्ट वाला भरना होगा। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर आपसे मांग रहा है आपका पैन कार्ड का नंबर, तो आप यहाँ पर अपना 10 डिजिट का जो कि पैन नंबर भरोगे आपके पैन कार्ड पे से देख के। ये जब भर लेते हो आप, तो उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर है जो कि एक कस्टमर सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको जो कि एक सिग्नेचर अपना कर देना होगा। सिग्नेचर करने के बाद ये जो नीचे दिख रहा है इस पर आपको कुछ नहीं करना, बैक साइड पे आना है आपको, बैक साइड में ये आपकी है जो कि टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है कुछ, तो ये देख लीजिए, आप इसे रीड आउट करना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, और ये देख लेनी है आपको पूरी। नीचे आप आओगे यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर कर देना होगा, ये सिग्नेचर करने के साथ ही आपको फिर फॉर्म फिलअप का काम है जो कि पूरा हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको ये फॉर्म ले जाना है सिंपली बैंक में जो कि जमा करवा देना होगा। बैंक में जमा कराते हो तो इसके साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म आप भर देते हो, आपका है जो कि एप्लीकेशन हो जाती है अप्लाई आपके एटीएम कार्ड के लिए। तो आपको एटीएम कार्ड कितने दिन में मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्म है जो कि हमने भरा था, उसके बाद है जो कि लगभग है जो कि 20 दिन का समय लगा हमारे एड्रेस पर ये एटीएम कार्ड आने में। बाकी अगर आपके एरिया की पोस्टल सर्विस बेटर होगी, पोस्टमैन बेटर होगा, तो ये मात्र है जो कि 12 से 15 दिन में है जो कि पहुंच जाता है। हमारे वहाँ थोड़ा सर्विस स्लो है तो 20 दिन का समय लग गया, पर ये है जो कि आ गया था। तो इस तरीके से है जो कि आप भी अप्लाई करके पंजाब एंड सिंध बैंक का एटीएम कार्ड अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।